फ्रेंड्स, जो जानवर हमारे पास स्पेशल प्रोटोकॉल पे लगे हुए हैं, उनको हम माशाल्लाह से दही तेल देते हैं। ये देखिए, शेरा को दही तेल दिया जाता है डेली बेसिस पे, 1 kg दही और तेल मिक्स करके जो है ना वो दिया जाता है। मैं सोचा आप भाइयों को ये भी शेयर कर दूं। दही तेल की जो अफादियत है, गर्मी के अंदर जानवर तेल जो है ना और दही जो है ना, तेल जानवर ठंडा रखता है, जानवर को तेल ठंडा रखता है, और दही जो है ना वो जानवर के मैदे को ठंडा रखता है। तेल देने से जिल्द में शाइनिंग आती है, जानवर की जिल्द जो है ना वो खुलती है और जानवर अच्छा ग्रो करता है, इसी तरह गर्मी से बचा रहता है। जिन ऑनर से हम ने हमें कहा हुआ है दही तेल का, हम उन जानवरों को दही तेल देते हैं। इसमें दही और तेल जो है ना मिक्स करके जो है ना वो देते हैं। माशाल्लाह से जो जानवर आदी होते हैं वो आसानी से पी लेते हैं, जो आदी नहीं होते उनको थोड़ा आदी करना पड़ता है, वो तंग भी करते हैं। बहरहाल एहतियात किया करें पिलाते वक्त, एक पिलाने की भी एक टेक्निक होती है, तो ऐसा ना बार दफ़ा अगर फेफड़ों में चला जाए तो जानवर को खांसी स्टार्ट हो जाती है और फिर उससे काफ़ी जानवर के लिए ना मसला होता है। तो एहतियात से जो है ना वो पिलाना पड़ता है। अब पांडे जी की बारी है जी। पांडे जी हमें नहीं खड़े हो रहे, वो कह रहे हैं कि जी बैठ के ही पीना है दही तेल, तो चलें। अगर बैठ के पीना चाह रहे हैं तो कोई मसला नहीं है, बैठ के पिला देते हैं। ये देखें जी, पांडे जी बैठ के ही पी रहे हैं माशाल्लाह से। बैठ के जाना आप पी रहे हैं, खड़े नहीं हो रहे। पांडे जी को और शेरा को नुकेल जो है ना वो हमने नहीं डाली हुई, और ये अब आदि हो चुके हैं तकरीबन, क्योंकि 1 month होने वाला है, इनको दही तेल स्टार्ट कराया हुआ है तो ये आदि हो चुके हैं। इनको पता है कि ये चीज़ हमें पिलाई जाती है, दही तेल हमें पीना होता है, तो माशाल्लाह से ये आदि हो गए हैं। माशाल्लाह पांडे जी ने अपना दही तेल मज़े से पी रहे हैं और पी लिया है। माशाल्लाह से शान पेशावर अपना दूध पी रहा है, रेड नुकरा है जी ये। तो इसी तरह हमने कुछ जानवरों को जो है ना वो दही तेल पे लगाया हुआ है, कुछ जानवर जो अभी छोटे हैं उनको हमने दूध भी स्टार्ट कराया हुआ है। तो ये देखें माशाल्लाह से शान पेशावर जो कि रेड नुकरे में 2025 पे इसको तैयार करेंगे, ये अपना दूध खुद ही पीता है। जो जानवर आराम से मज़े से खुद दूध पी लेता है तो वो दूध उस जानवर को लगता भी है, और जो नहीं पीता तो उसके साथ थोड़ा ज़बरदस्ती करके पिलाना पड़ता है। बट माशाल्लाह से ये अपना दूध खुद ब खुद शान पेशावर पी लेता है। इसकी ये खूबी है, चलें जी माशाल्लाह। देखा आप, इसने अपना दूध जो है ना बिल्कुल ख़त्म कर लिया है। स्पेशल प्रोटोकॉल पर रखा हुआ है हमने इस बच्चे को। माशाल्लाह से ये देखें जी, बबलू भी अपना दूध खुद पी रहा है माशाल्लाह से। ये अभी आधी हो चुकी हैं जानवर, जिस तरह के शाने पेशावर था इसी तरह ये जो बबलू है, इनको तकरीबन 2-2.5 kg दूध बनता है जाके, जो हम इनको पिला रहे हैं माशाल्लाह से।
इसी तरह जो जानवर हमने स्पेशल प्रोटोकॉल पे लगाए हुए हैं, मैंने सोचा वो भी आपको दिखा दूं मैं आज जी। तकरीबन इसने अपना दूध ख़त्म कर लिया है, बस थोड़ा सा रहता है। ये भी इधर उधर देख दूध के नखरे करके ज़रा मज़े से पी रहा है, ये भी ख़त्म कर लेगा। चलें जी, माशाल्लाह अखरोट जी पी रहा है अपना दूध माशाल्लाह से, और आपके सामने है अखरोट अपना दूध खुद पी लेता है मज़े से। काफ़ी जो जानवर हैं जिनके ऑनर्स ने हमें कहा हुआ है कि अकरम भाई, जिनके ऑनर्स ने स्पेशल प्रोटोकॉल लगाया हुआ है जानवरों को, वो हम जो है ना उन जानवरों को जो है हम दूध दही हो गया, जैसे दही तेल हो गया, दूध हो गया, वो देते हैं। चलें जी, अब गोल्डन की बारी है, लेकिन गोल्डन को जो है ना वो नाल के ज़रिए देते हैं, ये खुद नहीं पीता, इसकी आदत नहीं है। बाकी जानवर खुद पी लेते हैं, लेकिन गोल्डन को जो है ना वो थोड़ा ज़बरदस्ती करके नाल के थ्रू देना पड़ता है। इसी तरह से माशाल्लाह जी, ये देखें ये जानवर आदि हैं पीने के, और नीचे रख दो, नीचे रख दो बेटा। ये जानवर आदि हैं पीने के, और जो जानवर पीने का आदि होता है वो माशाल्लाह से बड़ा ही तेज़ी और बाखुशी खुशी जो है ना वो अपना पी लेता है और ख़त्म कर लेता है। ये देखिए, देखिए जी माशाल्लाह से इन्होंने पिया है। जिस जो ऑनर्स ने जिन्होंने स्पेशल प्रोटोकॉल दिया हुआ अपने जानवरों को, तो वो मैं दिखा रहा हूँ आपको, कुछ जानवर दिखाने भी नहीं है। तो माशाल्लाह से ये आपके सामने है, दूध चट हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। गोल्डन का जो है वो नाल के थ्रू पिलाते हैं, गोल्डन खुद नहीं पीता, इससे थोड़ा सा वेस्ट भी, अभी जुगाली कर रहा है असल में, थोड़ा वेस्ट भी होता है। नाल से जब आप पिलाएं तो थोड़ा एहतियात करें, क्योंकि लिक्विड जो है अगर वो फेफड़ों में चला जाएगा तो फिर जो है ना वो मसला होता है। खैर, गोल्डन जो है ना वो नाल के थ्रू ही पीता है, ये खुद ब खुद नहीं पीता। बाकी जानवर खुद ब खुद पी लेते हैं, आपके सामने था मैंने दिखाया आपको, लेकिन ये खुद ब खुद नहीं पीता। चला नहीं, माशाल्लाह मज़े से पी रहा है, मज़े से पी रहा है। कहने का मकसद ये कि ज़बरदस्ती पिलाना है, पिलाना पड़ता है, फिर मज़े से जो है ना ये नीचे ले जाता है। वैसे अगर इसके सामने रखें, अगर इस तरह अगर जानवर दूध पीता तो वो खुशी खुशी, तो वो दूध के रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं। इस तरह थोड़ा सा ज़बरदस्ती की जाती है तो फिर ज़ाहिर सी बात है जानवर थोड़ा डिस्टर्ब होता है। तकरीबन 2.5 लीटर दूध पीता है जी गोल्डन। माशाल्लाह माशाल्लाह, देखिए जी माशाल्लाह से जो आदि होता है जानवर वो मज़े से बाखुशी खुशी पी लेता है, और जो आदि नहीं होता तो वो थोड़ा नखरे करता है, फिर समटाइम्स जो है ना फिर वो ज़ोर ज़बरदस्ती भी करनी पड़ती है ऐसे जानवर के साथ। पर जो इस तरह से जो जानवर पीता है तो वो उसको लगता है, जानवर को अच्छा लगता है जाके। माशाल्लाह से जी ये देखें चट कर दिया। चलें जी, शाम का टाइम हो चुका है, जानवर तमाम अपने वंडे पे लगे हुए हैं, और बाकी 2024 की जो बुकिंग है वो प्लाई के लिए स्टार्ट है। जो भाई इंटरेस्टेड हो, जो भाई पलाई कराना चाहें, वो मेरे दिए गए कॉल और व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करें। अगर आपको फार्म के हवाले से, पलाई के हवाले से, लोकेशन के हवाले से, जानवरों के बारे में किसी किस्म की भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा जो है ना वो बछड़ियों का पोर्शन है, ये हमारा बछड़ों का पोर्शन है, आप ये देख सकते हैं, और थर्ड पोर्शन उस साइड पर है हमारा। तो बाकी फ्रेंड्स,
वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के शूट तक, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।